दोस्तों, हिंदू धर्म में ज्येष्ठ पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन स्नान दान करने से कष्टों से छुटकारा मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन विशेष तौर पर माँ लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और दुखों का नाश होता है। साथ ही इस दिन चंद्रदेव को अर्घ्य देने से मानसिक तनाव दूर होता है और परिवार में खुशियाँ आती हैं। इस बार ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि को लेकर कंफ्यूजन है, क्योंकि इस बार यह तिथि 3 जून की सुबह 11:16 पर शुरू होगी और 4 जून की सुबह 9:11 पर समाप्त होगी। इसलिए पूर्णिमा का स्नान दान 4 जून को किया जाएगा और पूर्णिमा का व्रत 3 जून को किया जाएगा, क्योंकि पूर्णिमा का चांद 3 जून को देखा जाएगा। लेकिन पूर्णिमा पर भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन, भगवान सत्यनारायण का पूजन और कथा और पूर्णिमा के उपाय 3 जून और 4 जून दोनों ही दिन किए जा सकेंगे। बट पूर्णिमा यानी कि बट सावित्री का व्रत 3 जून को किया जाएगा। बट पूर्णिमा पूजन का शुभ मुहूर्त 3 जून की सुबह 7:16 से सुबह 8:59 तक रहेगा। दोस्तों, इस बार ज्येष्ठ पूर्णिमा पर रवि योग, सिद्धि योग और शिव योग बनने से यह और ज्यादा खास हो गई है। आज की इस वीडियो में हम आपको ज्येष्ठ पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पर करने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। यह आसान सा उपाय आपको सिर्फ एक लौंग से करना है। लौंग की सुगंध माँ लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय है। पूजा में लौंग का इस्तेमाल करने से माँ लक्ष्मी अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं। इस उपाय को करने से भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी जी की कृपा से जीवन में चली आ रही परेशानियां दूर होती हैं, बिगड़े कार्य भी बनने लगते हैं, अनजान भय समाप्त होता है, कष्टों से छुटकारा मिलता है, नेगेटिविटी दूर होकर पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, यह उपाय आपको रात्रि के समय करना है। उपाय करते समय स्वच्छता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। उपाय करने से पहले अच्छी तरह से मुँह हाथ धो लें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब आप एक लौंग लें। ध्यान रखें, इस उपाय को करते समय आपको साबुत फूल वाली लौंग लेनी है। टूटी हुई या बिना फूल की लौंग से आप इस उपाय को ना करें। आपको वह लौंग लेनी है जो पूजा में इस्तेमाल होती है। अब आप अपने मंदिर के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं। अब भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं और एक सुगंधित धूप पत्ती भी जलाएं। दिए को सीधे जमीन पर ना रखें। दिए के नीचे कोई खाली पात्र रखें या फिर कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर दिया रखें। अब भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करें और इस लौंग को भगवान विष्णु जी के चरणों में रख दें। इसके पश्चात भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को हल्दी और कुमकुम से तिलक करें। तिलक करने के पश्चात भगवान विष्णु जी के द्वादश मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें। मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप आप उंगली पर गिनकर या फिर आप किसी माला पर मंत्र का जाप करते हो तो उस माला पर भी कर सकते हैं। तुलसी जी की माला पर इस मंत्र का जाप करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अब आप इस लौंग को भगवान विष्णु जी के चरणों में से उठाकर अपने दोनों हाथों के बीच में दबा लें और भगवान जी के सामने अपनी सारी समस्याएँ कहें। आपकी जो भी परेशानी है, धन संबंधी समस्या हो या फिर किसी कार्य से जुड़ी समस्या हो, वह सभी समस्या दूर करने की भगवान जी से प्रार्थना करें। अब इस लौंग को आप अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में यानी कि राइट हैंड में दबाकर अपने घर से बाहर किसी खुले स्थान पर जाएं। अगर घर से बाहर नहीं जा सकते तो आप इस लौंग को लेकर अपनी छत पर जाएं। छत पर जाने के बाद अब आप दक्षिण दिशा की तरफ यानी कि साउथ की तरफ कमर करके खड़े हो जाएं। ध्यान रखें, आपको साउथ की तरफ कमर करनी है। दक्षिण दिशा की तरफ कमर करके खड़े होने के बाद अब आप इस लौंग को अपने मुट्ठी में दबाए हुए ही अपने सिर पर 7 बार बारें, यानी कि आपको इस लौंग को अपने सिर पर 7 बार क्लॉकवाइज घुमाना है। जिस तरह घड़ी की सुइयां घूमती हैं, इसी तरह आपको बाएं से दाएं की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ इस लौंग को अपने सिर पर 7 बार घुमाना है। लौंग को 7 बार सिर पर घुमाने के बाद अब आप इस लौंग को अपने सिर पर पीछे की तरफ फेंक दें। आपको इस लौंग को सिर पर से पीछे की तरफ साउथ की तरफ फेंक देना है। लौंग फेंकने के बाद आप सीधे अपने घर आ जाएं।
घर आकर सबसे पहले अपने हाथ धो लें। दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इस उपाय को करते समय कोई आपको टोके नहीं, कोई आपसे पूछे नहीं कि आप ये क्या कर रहे हैं। और अगर आप इस लौंग को फेंकने घर से बाहर जाएं, तो यह भी ध्यान रखें कि रास्ते भर जाते समय और आते समय भी आप किसी से बात ना करें। और आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, लौंग फेंकने के बाद आप पीछे मुड़कर ना देखें। दोस्तों, अगर यह उपाय आप अपने घर की छत पर कर रहे हैं, तो इस लौंग को अपनी छत से नीचे की तरफ फेंकें। लेकिन अगर आपके घर पे, आपकी छत पर साउथ दिशा की तरफ, दक्षिण की तरफ कोई कमरा बना हुआ है या कोई दीवार है और आप लौंग छत से नीचे नहीं फेंक सकते, तो आप लौंग को दक्षिण दिशा की तरफ अपनी छत पर ही फेंक दें और सीधे नीचे आ जाएं। और अगले दिन सुबह जाकर एक कागज की सहायता से आप इस लौंग को उठाएं और इस लौंग को आप अपने घर से बाहर कहीं फेंकाएं, या फिर इस लौंग को आप मिट्टी खोदकर जमीन में गाड़ दें। ध्यान रखें, इस लौंग को आपको अपने घर से बाहर ही मिट्टी में गाड़ना है। अपने घर के किसी गमले में आप इस लौंग को ना गाड़ें और घर आकर अपने हाथ धो लें। दोस्तों, अगर आपके घर गंगा जल है, तो आप इस उपाय को करने के पश्चात अपने ऊपर गंगा जल का छिड़काव अवश्य ही करें। इस उपाय को करते समय आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब आप लौंग लेकर जाएं, सिर पर से बारें और फेंकें, तो हर समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का मन ही मन जाप अवश्य ही करते रहना है। दोस्तों, इस उपाय को करने से भगवान विष्णु जी, माँ लक्ष्मी जी की कृपा से कार्यों में आ रही रुकावट दूर होती है, बिगड़े कार्य बनने लगते हैं, धन संबंधी जो भी समस्या है वह भी जल्द ही दूर हो जाती है, व्यापार में उन्नति होती है। दोस्तों, इस उपाय को करने से आपके ऊपर जो नकारात्मक ऊर्जा होगी वह भी दूर हो जाएगी और आपको पॉजिटिविटी का एहसास होगा। इस उपाय को करते समय स्वच्छता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। गर्भवती महिलाएं इस उपाय को ना करें और पीरियड के दौरान भी महिलाएं इस उपाय को ना करें। इस उपाय को करने के साथ ही आज के दिन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। इस दिन आपके घर कोई इंसान कुछ मांगने के लिए आए, कोई जरूरतमंद व्यक्ति आए, तो उसे खाली हाथ नहीं भेजें। इस दिन दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन ध्यान रखें, आज के दिन आप किसी को रुपए पैसे ना दें। आप जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न या वस्त्र इत्यादि का दान कर सकते हैं। आज के दिन काले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आज के दिन शुभ रंग के वस्त्र पहने। इसके अलावा आज के दिन क्रोध से परहेज करें। किसी को कटु वचन ना बोलें, किसी से कोई ऐसी बात ना कहें जिससे उनका दिल दुखे। आज के दिन पति पत्नी को संयम बरतना चाहिए और पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन घर में तामसिक भोजन नहीं बनाने चाहिए। मांस मदरा और अंडे के अलावा आज के दिन प्याज लहसुन तक का भी सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन केवल सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। आज के दिन स्नान अवश्य ही करना चाहिए और देर तक भूल कर भी नहीं सोना चाहिए। सुबह उठकर स्नान कर भगवान सूर्य को जल अवश्य ही चढ़ाएं। इस उपाय को करने से भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी की कृपा से जीवन में चल रही परेशानियों का अंत हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।